देखिए, मसीहों को दंड वो इसलिए नहीं देते थे, उनको इसलिए नहीं सताया जाता था कि वो मसीह हैं, बल्कि उनको इसलिए सताया जाता था कि वो केसर की उपासना या आराधना नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के विषय में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के उस भाग में है जहां सात कलीसियाओं के नाम पत्र लिखा हुआ है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 12वें पद में, यानी यीशु मसीह के परिचय के बारे में, 5वें पॉइंट के बारे में सीखा था कि प्रभु का परिचय क्या है, प्रभु यीशु मसीह जो है दूध से कौन बात कर रहा है, उसके हाथ में क्या है और वो क्या कहना चाहता है। आज हम जो है इसका जो 6ठा पॉइंट है उसके बारे में सीखेंगे। 6ठा पॉइंट है, मसीह पिरगमन के दूत के काम को जानता है। इसका हम 7वां पॉइंट भी ले लेते हैं क्योंकि दोनों में एक ही बातें हैं। 7वां है, मसीह द्वारा दूत के काम की प्रशंसा करता है। देखिए, दोनों चीजें हैं, मसीह पिरगमन के दूत के काम को जानता है और उसके काम की प्रशंसा करता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और इसका 13वां पद। पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं। यहां क्या लिखा, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है। पहले इस पद को समझने के लिए इस पद की रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं। रूपरेखा क्या है, देखिए क्या चीज है। सबसे पहली बात क्या है इसको समझने के लिए, तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, पहली चीज। दूसरी, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। और तीसरा है, विश्वास करने से पीछे नहीं हटता। चौथा है, अंतिपास वहां घात किया गया जहां शैतान रहता है। अब इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में देख लेते हैं हम फिर से। अब ये जरा अलग चीज है जो हम थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। पिरगमन शहर उन दिनों में इफिसुस से 15 मील उत्तर की ओर था। ये एशिया की राजधानी हुआ करता था। पिरगमन की आबादी उस समय लगभग 1,60,000 थी। उन दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय पिरगमन में था। जी हाँ, सबसे बड़ा पुस्तकालय था पिरगमन के अंदर, जहां पर 2,00,000 हस्तलिखित पुस्तकें थी। उस समय लिखने के लिए पेड़ों की छाल का जो था प्रयोग होता था। पिरगमन में एक और भी प्रयोग हुआ था। अब वो क्या प्रयोग हुआ था, यहां पर लिखा है कि पार्चमेंट का आविष्कार किया गया था। पार्चमेंट का, पार्चमेंट जो है एक कागज के समान होता था और ये जानवरों की सूखी त्वचा, यानी जानवरों की जो सूखी त्वचा होती थी उससे बनता था और इस पर लिखा जा सकता था। पिरगमन और पार्चमेंट का अर्थ यूनानी भाषा में एक ही है क्योंकि पार्चमेंट का आविष्कार यही हुआ था। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि परिचय जानना है, क्यों पिरगमन कलीसिया या कोई सी दूसरी की भी कलीसिया क्यों फेमस है, कारण क्या है, इसलिए इसको जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। परंतु इसमें जो प्रमुख बात थी पिरगमन में जो वो दिखाई देती है, ये देवी देवताओं के इतने अधिक मंदिर थे वहां पर, जो थे देवी देवताओं के बहुत से मंदिर थे वहां पर, और वहां की जनसंख्या जितनी थी, जैसे मैंने अभी बताया ना 1,60,000 जनसंख्या थी, उससे भी ज्यादा वहां पर मूर्तियां हुआ करती थी। आप सोचिए कितना, मतलब एक अद्भुत सी बात हो रही है यहाँ पर ये जानने की, यानी इतने देवी देवता थे, मंदिर थे वहां पर और इतनी मूर्तियां थी देवी देवताओं की कि इतने लोग भी नहीं थे जिनकी उपासना लोग करते थे। यहां पर 4 सबसे प्रमुख मंदिर थे, 4 सबसे प्रमुख मंदिर थे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि वो पिरगमन की कलीसिया की स्थिति क्या है, पिरगमन के लोग जो हैं उस समय मसीह के लोग हैं वो कहां पर रह रहे हैं, किस दशा में, किस चीज में रह रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है, बहुत समझने की बात है, बहुत गहरी बात है कि पिरगमन की कलीसिया के लोग कहाँ रह रहे हैं। और हम लोग जो हैं जरा सा भी कुछ हो जाता है कि अरे हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं, ऐसे गांव में या ऐसे शहर में या ऐसी जगह में जहाँ मसीह का नाम लेना दूभर है, कोई मसीह नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई ये नहीं है, बहुत सी चीजें। मगर यहाँ पिरगमन की स्थिति को जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहला जो बात है, वहां पर कौन सा मंदिर हुआ करता था, केसर का मंदिर हुआ करता था।
अब बहुत, अब केसर का मंदिर, केसर कौन था? केसर जो था वो रोम का सम्राट था। अब ध्यान देने की बात है, रोम का सम्राट था और उन दिनों में रोमी साम्राज्य में धर्म और राज को अलग नहीं किया जा सकता था। राज के निवासियों के लिए अनिवार्य था कि वे केसर की पूजा उपासना करें। मसीहों को दंड इसलिए नहीं दिया जाता था कि वे मसीह थे। देखिए, मसीहों को दंड वो इसलिए नहीं देते थे, उनको इसलिए नहीं सताया जाता था कि वो मसीह हैं, बल्कि उनको किस लिए सताया जाता था? कि वो केसर की उपासना या आराधना नहीं करते थे। कहां रहता है? अब देखिए फिर से क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का शासन है। कौन मनुष्य जो है परमेश्वर को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर अगर मनुष्य अपनी आराधना, अपनी पूजा कराने लगे, तो इसका मतलब क्या है? वो इतना बड़ा घमंडी हो गया है, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है कि वो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा समझने लगा है, इसलिए तो अपनी पूजा करा रहा है। यानी वो परमेश्वर से ऊंचा समझने लगा या अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझने लगा है, और ये चीज जो है वो गलत है। किसी भी मनुष्य की पूजा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ केसर जो है, बशर्ते वो रोम का राजा है, बशर्ते वो शक्तिशाली है, सब कुछ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर है या वो ईश्वर है, ईश्वर समझकर या परमेश्वर समझकर हम उसकी आराधना या उपासना करें। मसीह लोगों को इसलिए जो है मारा जाता था। दूसरा है, यहाँ पर एस्केलेपियस का मंदिर हुआ करता था। ये एस्केलेपियस का मंदिर जो था, इस मंदिर में चंगाई देने वाला देवता जो था एस्केलेपियस की उपासना की जाती थी, और इस मंदिर में हजारों और लाखों रोगी आते थे। यानी सम्राट अगस्तुस केसर भी जो था निरंतर इस मंदिर में आता था। अब केसर भैया क्यों आता था? अब बड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए बड़ी रोचक बातें हो रही हैं पिरगमन के अंदर। यानी एक तरफ केसर जो है वो अपनी आराधना करवाता है, अपना मंदिर उसने बनवाया है, और दूसरी तरफ जो है वो उस मंदिर में आता है जहां पर चंगाई की सभा लगती है, जहां चंगाई हो रही है। अब केसर को किस बात की चंगाई? भाई वो ईश्वर है तो तुम्हें किस बात की चंगाई? तुम्हें तो कोई रोग ही नहीं होना चाहिए। ईश्वर को कौन सा रोग होता है, परमेश्वर को कौन सा रोग होता है? परंतु वो उसको कई रोग उसके अंदर थे, उसने कई रोग पाए, क्योंकि एक तो वो शराब बहुत पीता था, बहुत ज्यादा शराब पीता था, और बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण क्या था, उसके अंदर बहुत से रोग जो थे वो पनप गए थे। बहुत सी चीजें हैं, हो सकता है किडनी फेल हो गई हो या डैमेज हो रही हो या और बहुत सी बातें हैं शरीर के, और बहुत से इससे गल रहे हों, और इस कारण जो था वो वहां पर चंगाई पाने के लिए आता था, और वो बहुत कमजोर भी हो गया था, और उसको जो थी चंगाई, जो थी चंगाई की आशा थी कि मुझे चंगाई मिल जाएगी। तीसरा जो था डायोनीसियस का मंदिर था। डायोनीसियस का जो मंदिर था, उन दिनों में भोग विलास के देवता की उपासना की जाती थी, जिसका नाम डायोनीसियस था। वह खाने पीने का देवता हुआ करता था। जब हम खाने पीने के देवता की बात करते हैं, यानी भोग विलास के देवता की बात करते हैं, तो वहां पर पिरगमन के लोग क्या करते थे कि सबसे पहले इस देवता को जो भी था भोग चढ़ाते थे, और उसके बाद जो था वो खाना खाते थे। तो यहाँ पर जो था वो भोग विलास का जो था, बहुत सी चीजें, भोग विलास के और भी कई अर्थ होते हैं कि लोग अपने भोग विलास में लगे रहते हैं, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं रहता, कोई ईश्वर से मतलब नहीं रहता, बहुत से ऐसी बातें रहती हैं जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। परंतु पिरगमन के जो मसीह लोग थे वो अपने आप को इन सब बातों से बचाकर एक सच्चे परमेश्वर की आराधना में लगे रहते थे, और ये एक बहुत बड़ी बात थी, और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं उनके कामों को जानता हूँ। यहाँ पर कहता है निर्गमन 20 अध्याय और उसका 4-5 पद, जब हम बाइबल से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। अब यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, आप इसका 5वां पद भी पढ़ लीजिएगा, मैंने 4 पढ़ा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो पिरगमन के लोगों के लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि वहाँ कदम कदम पर जो थी बहुत से मंदिर और मूर्तियाँ वगैरह होती थी, और वो जो थे, क्योंकि बाइबल के अंदर जो है परमेश्वर का वचन जो कहता है कि मूर्ति किसी की भी नहीं। देखिए, अब किसी की मूर्ति का मतलब क्या होता है? चाहे वो मूर्ति यीशु मसीह की हो, चाहे वो मूर्ति परमेश्वर की हो, किसी की भी मूर्ति नहीं बनाना। हम यहाँ तक यीशु मसीह की भी मूर्ति बनाकर उसके आगे आराधना नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट साफ शब्दों में कहता है कि किसी की भी, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की हो, परमेश्वर की हो, पवित्र आत्मा की हो, या किसी की भी हो, या मरियम की हो, या चेलो की हो, किसी की भी मूर्ति बनाकर हम जो हैं हम उनकी आराधना नहीं कर सकते हैं। और ये घोर अपराध में आता है, परमेश्वर को जो है ये शोभा नहीं देता है। इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पर पिरगमन के लोग जो हैं ये इन सब चीजों से बचते हुए और वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सच्चे परमेश्वर की जो है वो आराधना कर रहे हैं और वो उन चीजों से बचे हुए हैं। अब कैसे पिरगमन के लोग बचे, किस तरीके से अपने आप को बचाए हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनकी इन्हीं सब बातों की जो है प्रशंसा भी करता है, तारीफ करता है कि मैं जानता हूं तेरे काम को, तू ऐसा नहीं करता है, तू वैसा नहीं करता है, और जो परमेश्वर की नजरों में ठीक है वो तू करता है। यानी यहाँ पर जो है पिरगमन के लोगों के काम के बारे में वर्णन कर रहा है, उनकी प्रशंसा भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हम काम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हम जब काम करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें बहुत सी ब्लेसिंग देता है, बहुत सी आशीषें देता है, और ये आशीष जो है हमारे जीवन में हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें पिरगमन की कलीसिया के समान काम करना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह, देखिए सभी के कामों को जानता है, आप चाहे अंधेरे में करें, चाहे उजाले में करें, चाहे एकांत में करें, चाहे लोगों के बीच में करें, प्रभु यीशु मसीह सबके कामों को जानता है और सबके मन की बातों को भी जानता है। इसलिए इस दुविधा में नहीं रहे कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानता है। और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वो आपकी प्रशंसा करने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ है। इसलिए हम ऐसा काम करें जिससे प्रभु यीशु मसीह को खुशी मिले और वो उस खुशी के अनुसार हमारे कामों की प्रशंसा करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।